खबर अम्बाला से, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद अम्बाला पहुंचे, जहां उन्होंने आप कार्यकर्ताओं की मीटिंग की। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए नवीन जयहिंद ने कहा कि हरियाणा में 17 अक्टूबर को होने जा रहे चुनाव छात्र संघ चुनाव नहीं है, ऐसे अप्रत्यक्ष चुनावों का कोई मतलब नहीं है, विधायक का चुनाव भी ऐसे ही करवा ले, सरपंच ही विधायक चुन लेंगे। छात्र संघ चुनाव तो हो ही नहीं रहे, वो तो वैसे हो रहा है, छात्र संघ चुनाव ऐसे थोड़ी होते हैं। इनडायरेक्ट छात्र संघ चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अब विधायक का भी फिर ऐसे ही करवा ले, सरपंच चुन लेंगे विधायकों को, ये कोई तरीका नहीं है ना। आप कौन सी लीडरशिप निकालोगे? कोई लीडरशिप निकल नहीं रही वहां से। अपने गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, नॉमिनेट भी होंगे उसमें, तो क्या चुनाव है? ये कोई चुनाव नहीं होता। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा कल जारी की गई सीढ़ी को लेकर आप प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने कहा कि जल्द उस विकास कार्यों की सीढ़ी की पोल खोलने का काम किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री के रोहतक दौरे पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि छोटू राम की मूर्ति का अनावरण नहीं, मोदी उनका अनादर करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं फसल बीमा योजना के नाम पे, वो छोटू राम जी के प्रतिमा का अनावरण करने, हम ये मानते वो अनादर करने आ रहे हैं, अनावरण नहीं करने गए, क्योंकि छोटू राम जी ने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन फसल बीमा योजना के नाम पे पूरे हरियाणा के अंदर हजारों करोड़ रुपए किसानों का निकाल लिया जाता है तुरंत, लेकिन जब उनको मुआवजा देने की बात आती है तो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, ब्लैंक चेक लिए जा रहे हैं। किसान जो कर्जदार हैं उनके कर्जे माफी की बात हुई थी लेकिन भूल चुके हैं अभी। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो क्या लेके आ रहे हैं वो किसानों के लिए? कुछ नहीं है। तो किसान परेशान है, कर्मचारी आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से अलग अलग कर्मचारी हैं, रोज धरने प्रदर्शन हड़ताल हो रही है, तो सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हरियाणा में नेताओं को अपनी पार्टी में न्योता देने वाले नवीन जयहिंद से जब सवाल किया गया कि क्या उनके पास नेतृत्व की कमी है, तो हरियाणा में दूसरी पार्टी के नेताओं को न्योता दिए जा रहे हैं। इस पर जयहिंद ने कहा कि आम आदमी पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, अगर ये लोग आम आदमी की राजनीति करना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी में आ जाए। नवीन जयहिंद ने कहा कि उन्होंने बिज को बहुत साल पहले न्योता दिया था, लेकिन अब वो बहुत निकम्मे मंत्री हरियाणा में साबित हुए हैं। अरे सर, आम आदमी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारे पास बहुत लोग हैं, हमें जरूरत नहीं है इन लोगों की। हम तो ये कह रहे हैं भी, अगर ये आम आदमी की राजनीति करना चाहते हैं तो अनिल विज साहब को तो मैंने कई साल पहले कहा था, अब तो लेकिन वो मानिकम में मंत्री घोषित हुए हैं हरियाणा में। हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा का भट्ठा बैठा हुआ है, एक PGI है हरियाणा में, इन्होंने तो कहा था हर जिले में PGI खोलने की बात है, वो एक है वो ही नहीं ठीक हो रहा। वो जो लोग मर रहे हैं बिना दवाई के बिना डॉक्टर के, जिम्मेदार कौन है? अनिल विज साहब ही तो है ना। अब वो मतलब अम्बाड़ा की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार दे, हरियाणा की तो बातें दूर है, बात वो अमेरिका ही करते हैं, पाकिस्तान चीन जापान वो बात करते हैं, ट्विटर पे रहते हैं, थोड़ा हॉस्पिटलों में रहें तो ठीक रहेगा।